दोस्तों नमस्कार ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एन सी ई आर टी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में 1206 सौ ईस्वी से लेकर 1290 सौ ईस्वी तक के शासनकाल से संबंधित प्रमुख राजवंशों और शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आइए सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में जो वंश रहे हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे संबंधित तथ्यों को देखिए दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से जो हम पांच राजवंशों का शासन देखेंगे उनमें पहला है ग़ुलाम वंश जिसमें कुल ग्यारह शासक हुए दूसरा खिलजी वंश पांच शासक हुए और तुगलक वंश तीसरा जो है दिल्ली सल्तनत का वंश रहा जिसमें नौ शासक थे और चौथा वंश है सैयद वंश जिसमें कुल चार शासक हुए और पांचवा लोधी वंश है जिसमें कुल तीन शासक हुए थे सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में जानते हैं दोस्तों गुलाम वंश जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका शासनकाल 1206 से 1210 सौ ईस्वी तक रहा और ये कुतुबी राजवंश से संबंधित रहा 1210 सौ ईस्वी में आराम सा इसका शासक बना और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी इसके बाद जो इल्तुतमिश आया इल्तुतमिश ये शमसी राजवंश से संबंधित रहा 1210 से 1236 सौ ईस्वी तक इसका शासन रहा और इसने राजधानी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली बनाया 1236 में दोस्तों रुकनउद्दीन फिरोज शाह शासक बना उसके बाद 1236 से 1240 तक का शासनकाल रजिया सुल्तान के हाथों में रहा और रजिया के बारे में आप जानते हैं जो है भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन रहा और 1240 से 1242 तक इसका शासनकाल उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा 1242 से 1246। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया जिसका शासनकाल 1246 से बारह सौ छाछठ ईस्वी रहा इसके बाद दोस्तों देखिए समसी राजवंश के बाद बलवनी राजवंश का शासन आया गयासुद्दीन बलवन बारह सौ छाछठ से बारह सौ तक शासक रहा और गयासुद्दीन बलवन के बाद मोइजुद्दीन कैकुबाद बारह सौ सत्तासी से बारह सौ नब्बे तक और बारह सौ नब्बे ईस्वी में क्यूमर्स का शासनकाल रहा इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश है दिल्ली सल्तनत का वो है खिलजी वंश इसमें पांच शासक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन 1290 से बारह तक रहा फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक बना इसने बारह से तेरह सौ सोलह ईस्वी तक शासन किया और देखिए सिहाबुद्दीन उमर ने तेरह सौ सोलह ईस्वी में पैंतीस दिन तक शासन किया और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने तेरह सौ सोलह से तेरह सौ बीस ईस्वी तक शासन किया और अंत में नसीरुद्दीन खुसरो खान ने पंद्रह अप्रैल से सात सितंबर तेरह सौ बीस तक शासन किया खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन आया इसमें कुल नौ शासक हुए ग्यासुद्दीन तुगलक ने तेरह सौ बीस से तेरह सौ पच्चीस ईस्वी में शासन किया गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1388 से तेरह तक शासन किया और गयासुद्दीन तुगलक शाह दुती ने तेरह सौ अट्ठासी नवासी में शासन किया अबू बकर शाह ने तेरह सौ नवासी नब्बे ईस्वी में और मोहम्मद शाह तृती ने दोस्तों तेरह सौ नब्बे से चौरानवे ईस्वी तक शासन किया और देखिए तुगलक वंश में अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम ने जनवरी से मार्च तेरह तक शासन किया इसके अलावा दो स्वतंत्र शासक रहे देखिए नसीरुद्दीन महमूद शाह ने तेरह सौ चौरानवे से चौदह सौ तेरह ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया और नुसरत शाह ने तेरह सौ चौरानवे से तेरह सौ अंठानवे तक फिरोजाबाद में शासन किया था तुगलक वंश के बाद जो महत्वपूर्ण वंश है सैयद वंश है सैयद वंश खिज्र खां द्वारा चौदह सौ चौदह से चौदह सौ चौंतीस ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आया जिसने चौदह सौ इक्कीस से चौदह सौ चौंतीस तक शासन किया इसके बाद मोहम्मद शाह चौदह सौ चौंतीस से चौदह सौ तिरालीस ईस्वी और सैयद वंश में लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह ने चौदह सौ तिरालीस से चौदह सौ इक्यावन ईस्वी तक शासन किया लोधी वंश दोस्तों लोधी वंश के तीन महत्वपूर्ण शासक हुए बहलोल लोधी इसका शासनकाल चौदह सौ इक्यावन से चौदह सौ नवासी तक रहा फिर सिकंदर लोधी चौदह सौ नवासी से पंद्रह सौ सत्रह ईस्वी तक शासन किया और इब्राहिम लोधी ने जो है पंद्रह सौ सत्रह से पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक शासन किया दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इसका शासनकाल 1210 से 1236 सौ ईस्वी था इल्तुतमिस ने दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन विरोधियों का दमन और नवीन प्रकार के सिक्कों का आरंभ इसके अलावा इल्तुतमिस ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये पहला शासक बना दोस्तों ग़ुलाम वंश के प्रमुख सुल्तानों को देख लेते हैं एक नज़र में देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासनकाल 1206 से 1210 सौ ईस्वी तक रहा ये ग़ुलाम राजवंश का शासक था दूसरा शासक इलतुतमिस 1210 से 1236 सौ ईस्वी तक ये गुलाम वंश का शासक रहा रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 सौ ईस्वी तक शासन किया और मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1240 से 1242 सौ ईस्वी तक शासन किया और ये गुलाम वंश के प्रमुख शासक थे पांचवा शासक अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 सौ ईस्वी और नसीरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1266 तक बलवन ने 1266 से 1287 तक और कैकुबाद ने दोस्तों देखिए बारह से 1290 तक शासन किया और ये सभी गुलाम वंश के शासक रहे अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है गुलाम वंश से संबंधित कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है सही उत्तर है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 से 1210 सौ दस ईस्वी इस इसका शासनकाल था और इसे मोहम्मद गोरी ने शासक नियुक्त किया था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 सौ ईस्वी तक शासन किया और इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम थे न कि राजा इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान इलतुतमिश था ऑप्शन आप बी आपका सही उत्तर है और फरवरी बारह में बगदाद के खलीफा से इलतुतमिश को प्रमाण पत्र या इलहत प्राप्त हुआ और खलीफा ने इलतुतमिस को सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों का उसे शासक घोषित किया और इलतुतमिस का शासनकाल बारह सौ दस से बारह सौ छत्तीस ईस्वी तक रहा अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था तो सही उत्तर है चांदी का टंका इलतुतमिस द्वारा जारी किया गया इलतुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए और उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था इससे पहले सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौगान घोड़सवार अंकित होते थे चांदी का टक्का एक ग्रेन का होता था अगला प्रश्न है दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी आपको बताना है तो सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के समय घोड़े से गिरने के पश्चात हुई थी ऑप्शन आप डी आपका सही उत्तर है आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों उसका राज्याभिषेक बारह सौ छः ईस्वी में हुआ था जबकि इसकी मृत्यु बारह सौ दस में चौगान या आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई उसे लाहौर में दफनाया गया और वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसे मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बक्स भी कहा जाता है उसकी एक अंगुली टूटी होने के कारण वह अय कहलाता था अगला प्रश्न है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है आपको बताना है देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया सही है औपचारिक रूप से वो 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए सही है राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था और इसने सुल्तान की पदवी धारण की तो ये सही नहीं है इसमें एक दो तीन चार आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन आप ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो कथन कहे गए हैं ये सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सही हैं और इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की थी अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था ऑप्शन है अफगानों का मंगोलों का तुर्कों का या अरबों का तो सही उत्तर है ऑप्शन सी तुर्कों का दोस्तों रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी जो कि तुर्कों की सहायता से बारह सौ छत्तीस ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया जिससे अमीर तुर्कों ने अलतुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया गया तेरह अक्टूबर 1240 सौ ईस्वी में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलवन के संबंध में सही नहीं है देखिए उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया सही है उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रचलन किया सही नहीं है उसने तुर्का ने चहलगाने का प्रभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका सही नहीं है क्योंकि भारत में एकता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने प्रारंभ किया लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य इलतुतमिस ने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इकतादार था जिसे झांसी की इकतादारी प्रदान की गई थी और इकतादार का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होता था बलवन बारह सौ छाछठ ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और बारह सौ अट्ठासी ईस्वी तक दिल्ली प्रशासन किया इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया जैसे इसने नवरोज उत्सव का भी आरंभ करवाया था अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में किया कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी ऑप्शन है इलतुतमिस बलवन जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवन ने दोस्तों गयासुद्दीन बलवन ने रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाते हुए अमीरों और विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया उसने राजत्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया और इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई होता है अब आइए खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी मुबारक खिलजी खुसरो खान अलाउद्दीन खिलजी तो सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एसानी के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था उसका शासनकाल दिल्ली में बारह सौ छियानबे से तेरह सौ सोलह ईस्वी तक रहा और वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था अलाउद्दीन का राजस्व तो सिद्धांत तीन मुख्य बातों पर आधारित था निरंकुशवाद साम्राज्यवाद और धर्म और राजनीति का पृथककरण अगला प्रश्न है दोस्तों बाज़ार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी आपको बताना है तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण नीति लागू की थी और इसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल और केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव करना अलाउद्दीन खिलजी ने तीन प्रकार के बाजारों की स्थापना की अनाज बाज़ार कपड़ों और अन्य सामग्रियों का बाज़ार और घोड़ों या मवेशियों का बाज़ार ये तीन प्रकार के बाज़ार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किए थे अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था तो आप जानते हैं ऑप्शन ए रामचंद्र देव दोस्तों अलाउद्दीन ने मालिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी यानी 307 ईस्वी में तेलंगाना 309 में होसल 311 का अभियान शुरू किया और उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे एक लाख टंका एक स्वर्ण छत्र और राय रायन की उपाधि प्रदान की थी आइए तुगलक वंश पर आते हैं दोस्तों तुगलक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखते हैं पहला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए देखिए दोआब कर में वृद्धि दोआब में कर वृद्धि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन राजधानी परिवर्तन और खुरासान अभियान तो सबसे पहले दोआब कर में वृद्धि है ये याद रखेगा तेरह सौ पच्चीस में कर में वृद्धि इसके अलावा दूसरे स्थान पर राजधानी परिवर्तन तेरह सौ ये दो में वृद्धि पहला है राजधानी परिवर्तन ये तेरह सौ छब्बीस में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों ये देखिए तेरह सौ उनतीस में और खुरासान अभियान तेरह सौ तीस में तो हो जाएगा आपका कौन सा एक तीन दो और चार एक तीन दो और चार ये ऑप्शन आप सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों और ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा इसके काल में दीवान खैरात जो कि असहाय और गरीबों की मदद के लिए दीवाने बंदगान यानी दास विभाग दारुल सफ़ा सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार की स्थापना की गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था तो ये था फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी और अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था फिरोशाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी का निरंकुश शासक कहा जाता है और इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है अगला प्रश्न है दोस्तों मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों इब्न बतूता 1333 33 ईसवी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था उसकी पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया गया था अगला प्रश्न है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था कला संगीत हस्तलिपि या दर्शन शास्त्र तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये <coughs> सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था इसने दिल्ली में 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया वो अरबी और फारसी भाषा का विद्वान खगोल शास्त्र दर्शन शास्त्र गणित तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था राजमुंदरी अभिलेखों में उसे दुनिया का खान कहा गया है अगला प्रश्न है दोस्तों होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई और दिल्ली सल्तनत की सीमा विस्तार जो है सर्वाधिक इसी के शासनकाल में हुआ लेकिन इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया था अगला प्रश्न है इनमें से किस दिल्ली सुल किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है क्योंकि उसकी अधिकांशता नीतियाँ सैद्धांतिक होती थी न कि व्यवहारिक ज्ञानी तो था लेकिन वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है अगला प्रश्न है किसने सन तेरह सौ से तेरह सौ तीस ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई थी तो याद रखिएगा प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और इसने तेरह सौ उनतीस तीस के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के मध्य स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा को चलाया लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना आरंभ कर दिया जिससे ये नीति असफल रही और इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक कुबलई खान से ग्रहण की थी अगला प्रश्न है दोस्तों दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह कहाँ पर स्थित है ऑप्शन आप है आपके देखिए मोहम्मद बिन ऑप्शन आप आपके हैं मैसूर औरंगाबाद निज़ामाबाद या भोपाल तो सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगाबाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो कि वर्तमान में औरंगाबाद में स्थानांतरित किया और ये जो कार्य था पूर्णतया असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले, ले आया दौलताबाद नगर स्थापना की स्थापना यादव नरेश भिल्लम द्वारा की गई थी और दौलताबाद को याद रखिएगा दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था अब आइए देखते हैं दोस्तों सैयद और लोधीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों को देखिए दोस्तों निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तुगलक लोदी सैयद इलवरी तुर्क और खिलजी तो यहाँ पर देखिए आप याद कर लीजिए गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद और लोदी वंश तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी तो ये क्रम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा चार पाँच एक तीन दो सबसे पहले गुलाम वंश फिर खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश और लोदी वंश है अगला प्रश्न है दोस्तों लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी ऑप्शन आप सी आपका सही उत्तर है बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्त करके लोदी वंश की स्थापना की थी और इस वंश का शासनकाल चौदह सौ इक्यावन से पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी तक था बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित था वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था अगला प्रश्न है दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर माना जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम सुल्तान था याद रखिएगा दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपने कविताओं की रचना की थी तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी लोदी वंश के शासक दोस्तों सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थीं वो शिक्षित और विद्वान था और सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया चुंगी और व्यापारिक कर हटा दिए जिससे अनाज कपड़ा और आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ सस्ती हो गई थी अगला प्रश्न है दोस्तों आगरा शहर का संस्थापक कौन था तो आप जानते हैं सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने दोस्तों 1504 सौ ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया था अगला प्रश्न आइए देखते हैं प्रश्न है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किल सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया था ऑप्शन है आपके रजिया सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बलवन या फिर बहराम साह तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बलवन दोस्तों बलवन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया क्योंकि ये समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले जो विद्रोह थे उनके षड्यंत्रों का केंद्र था बलवंत स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों को जानता था अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बलवन बलवन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत के वर्णन की उसने राज्य को दैवी संस्था माना और राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना बलवन ने ईश्वर शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट घटनाचक जो ये दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इसको तैयार कर लीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार